तो ये है इस ट्रैक्टर का इंजन। भैया को बोला मैंने एक साफ मत करो, पर क्या है पंजाबी आदमी है तो ट्रैक्टर को साफ पहले करेंगे। चकाचक कर दिया उन्होंने ट्रैक्टर को, बोले दिखाने से पहले। और ये लगी है इसमें टर्बो, ये टर्बो जो है इसमें चल रही है। टर्बो बहुत छोटी सी है पर पावर बोल रहे हैं कि 10 HP तक बढ़ गई है इससे। और इसकी सप्लाई यहाँ से है, ये ऑयल की सप्लाई इसमें बढ़िया फिटेड फिट एंड फाइन दी हुई है, कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। और भैया 7 साल से हमारे यहाँ कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्बो के बारे में। काफ़ी किसान भाई जो है वो टर्बो के बारे में सोचते हैं कि टर्बो लगाने से पावर कम होती है या ज़्यादा होती है, या फिर हमारे नए ट्रैक्टर में हम टर्बो लगा सकते हैं या नहीं, या फिर टर्बो लगाने से क्या क्या होता है। तो आज हम A to Z उस किसान से जानेंगे या उस ट्रैक्टर चलाने वाले से जानेंगे जिसने ये चीज़ लगाई है और जिसने देखी है। तो सबसे पहले तो भैया आपका नाम बताओ ताकि क्या है लोगों को पता चल सके। नहीं बिल्कुल, नाम मनप्रीत सिंह है। थोड़ा ऊंची आवाज़। नाम मनप्रीत सिंह है, पंजाब से। पंजाब से। तो देखो भैया पंजाब के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा जुगाड़ करते हैं, पहली बात तो ये। पहले तो टर्बो में मेरे को आप ये बताओ कि क्या टर्बो लगाने, मतलब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने कितने साल पहले टर्बो लगाई। मैंने पिछले साल इधर आने से, MP आने से, हाँ पहले लगवाई थी। MP आने से पहले? हाँ। तो पिछला पूरा सीजन अपना चला, हाँ जिस कंडी पे, हाँ ठीक है। तो बाद में सुपर सीडर पे चला, हाँ तो लगभग मैंने 1200 घंटे चला दिया होगा। मतलब टर्बो चलाने के बाद 1200 घंटे चल चुका है। इसका मतलब ये कि जो रिव्यू मिलेगा अपने को वो जिनाइन होगा, उसमें कोई मिस्टेक कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। आप ये बताओ कि ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा है? मॉडल 13 मॉडल है, 2013 मॉडल। और ट्रैक्टर कौन सी कंपनी का, क्या नाम है उसका? ट्रैक्टर आपके सामने भाई के सामने दिखा दो, सोनालिका है। सोनालिका है, 13 मॉडल है, 750 है। हाँ 750 जो सोनालिका है वो 4 सिलेंडर गाड़ी आती है, बड़ा इंजन आता है, अलग ही भारी भरकम ट्रैक्टर दिखाई देता है। और भैया हमारे यहाँ काफ़ी समय से आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको टर्बो लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो जरूर यही है, जैसे आप कह रहे हो कि आपके हर साल आ रहा हूँ, अपना सीजन लंबा है, MP से लेके MP हरियाणा फिर पंजाब, है ना। तो काम के हिसाब से मुझे लग रहा था कि जैसे और पावर, एक्स्ट्रा पावर चाहिए, क्योंकि काम तो हमने करना ही है। तो लगभग ये 2.5 महीने चलेगा, ठीक है। उसके मतलब लगाने से मान लो 10 HP का कैसे भी कोई अंडर लोड चलता है, कोई ये बूस्टर नहीं, कोई क्लच नहीं, पहला दूसरा गियर कोई भी डाल लो आप, कुल मिला के देखो जिसे लोड का काम करना है आप लगवा सकते हैं, वो आदमी इसको लगवाए। क्योंकि आप ट्रैक्टर एक बार लेते हैं, अब आपको अखर रहा है कि आप थोड़ी 10 HP ज़्यादा होनी थी तो ज़्यादा काम निकालता है। मान लो अगर मुझे लग रहा था कि ये कम HP है, अगर मैं इसको बदल के नया लेता तो 4 लाख 4.5 लाख डलता है, एक्स्ट्रा डलता है, उसी में नए से ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा काम की बात आ गई, तो अब आप मेरे को ये कैलकुलेशन बताओ कि जो पहले स्थिति थी, और भी मतलब आपने ये टर्बो नहीं लगाया था, और अब काम में मतलब इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया? काम में तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा जैसे आप मालूम ही है आपको जहाँ मैं कितनी ट्राली करके टैंक जाता हूँ, पंजाब हरियाणा और MP, हर साल मैं बनाता था 650 से लेकर 675, और पिछले साल मैंने बनाया 840। अच्छा मतलब लगभग 200 का अंतर आ गया, ये तो सिर्फ इसकी वजह से। और चलो जहाँ तो अंतर आता ही है 2 टैंक का रोज का, पर हमारे पंजाब में क्या है आपको मालूम है कि जाली मोटी है तो भूसा मोटा आता है, तो वहाँ रोज का 5 टैंक का अंतर आता है। अच्छा ये जैसे पहले 20 बनाते थे रोज, तो इसके लगाने के बाद 25 रूटीन 25, मतलब पर डे आपको उतनी ही डीजल खपत में जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा काम निकाल के दे रहा है। अच्छा ये बताओ कि आपका ट्रैक्टर नहीं लगाया था जब, कितना साल हुआ मतलब बगैर नॉन टर्बो आपने चलाया उसको? मतलब 13 मॉडल है कि 11वां साल चल रहा है ना। हाँ 2 साल मतलब ये 9 साल 9 साल वैसे चला। मतलब उससे आपको मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 9 साल पुराने ट्रैक्टर में इनने टर्बो लगाया। हाँ जैसे नया किसान भाई डरते हैं कि पुराना है जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब काफ़ी लोगों का यार मेरा तो ट्रैक्टर पुराना है या फिर मेरा नया ट्रैक्टर है तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ का डिलीटिंग कर देगा,
आप देख लो आपके सामने है। हाँ ये तो मेरे को पता है। देखो लास्ट ईयर भी भैया आए थे, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि एक सीजन अपन पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आकलन इसका लगाएंगे। अच्छा एक बात और बताओ कि टर्बो लगाते समय क्या अपने को मेन सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आपने क्या सावधानी रखी लगाने के लिए? तो लगाने के लिए जैसे मैंने जहाँ से लगवाई थी वो लगवाता ही है अच्छी तरह से, कि कोई जैसे मिस्टेक आते नहीं। वैसे बाकी ये है कि आप सुबह सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करवा कराते हो, थोड़ा दो चार मिनट लिए उसको सेट होने का टाइम दे। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल ट्रैक्टर जाके टर्बो में जाने का उसको 15 से आधा मिनट तो तेल चाहिए। ऐसे यहाँ सुबह सेल्फ मारोगे एक्सीलेटर दोगे तो टर्बो में नहीं जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी सावधानी है, बाकी कोई खास नहीं है। हाँ वो तो नॉर्मली है। वैसे भी आप सादा ट्रैक्टर भी आप एक दो मिनट के स्टार्ट रखना है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा एक्स्ट्रा सावधानी कोई नहीं है। अच्छा और एक बात ये बताओ कि जैसे आप ये ट्रैक्टर चलाते हो तो जो सुपर फीडर की आप बात कर रहे थे, वैसे मैंने ये सुना है कि 55 HP में 6 फीट से ऊपर का सुपर फीडर नहीं चल रहा। मेरे पास 8 फीट चल रहा है। अच्छा 8 फीट चला ले रहा है, वो भी आराम से आराम से चल रहा है। भैया ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 8 फीट का सुपर सीडर चला रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6 फीट से ऊपर मैंने बचपन में देखा है कि डाउन कर दो तो बैठने लगता है। ये क्या है कि जब मैंने सुपर सीडर लिया था चलाता, मैं पहले भी टर्बो लगाने से पहले था एक साथ चलाया था, पर फिर वही दिक्कत, थोड़ा सा दबता था, थोड़ा सा मान लो दबता, डीजल ज़्यादा लेता था। अब इसके बाद लगवाने के बाद अंडरलोड हो गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इसके पीछे कुछ डला है। अच्छा ये लोड वाली चीज जैसे लग रहा, कोई जैसे RPM कोई ड्रॉप नहीं करता। जैसे आपने 15 पे छोड़ा है तो 15 पे ही रहेगा। अच्छा डीजल खपत इसकी बड़ी की घटी? नहीं डीजल तो बड़ी नहीं है, आप उतना भी मान सकते, पर आपको काम कितना करके दे रहा है ना। अच्छा मतलब डीजल वही है लेकिन काम बढ़ जाता है। काम बढ़ गया और इंजन की लाइफ बढ़ रही है क्योंकि दब नहीं रहा है। देखा अभी अंडरलोड चल रहा है, पहले देखो क्लच दे दे के, अभी शायद आपने देखा ही होगा पूरी लाइन मैंने उठा दी, भारी कर दी है पूरी लाइन पे चल रहा था, बिल्कुल क्लच नहीं दिया। नहीं गीला है क्योंकि हमारे यहाँ पानी गिरा था। हाँ दो दिन पहले पानी गिरा था, नीचे गीला है, गीले होने पे भी अगर निकाल रहा है जल्दी सूखा हो तो आप समझे। अब भी कोई लोड नहीं था, RPM ड्रॉप नहीं कर रहा था, पर चलो और भी देखो गीला नीचे से आ रहा है, जिस तरह गीला है। मतलब इससे ये है कि टर्बो लगवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों में भ्रम बना हुआ है कि इंजन खराब होता है या ऐसा होता है, देखो आप ट्रैक्टर की देख लो कि 13 मॉडल है तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये कितना चल चुका है तो मेरे हिसाब से ये 9000 घंटे चल गया है। लो भैया तो एक और बात, अगर मीटर से ये 1 मीटर से बदल चुका है, मतलब खराब हो गया था 7000 के बाद मैंने बदल दिया था, तो 2000 के ऊपर अब चल गया है। पहले आदमी देखे जिसने ट्रैक्टर का मीटर खराब कर दिया। चल के हो गया। लेकिन क्या 9000 घंटे चलना, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी है। इतना चलने के बाद टर्बो लगा के फिर चल रहा है। देखो अगर हम किसानी में चलाते हैं ना तो मेरे हिसाब से जो पता नहीं कितने सालों, अगर मान लो 11 साल चला है ना तो 25 साल इंजन चल गया होगा। सही है, चल है कि नहीं? ज़्यादा चल क्योंकि 5 साल तो मेरे को देखते हुए कि आप मेरे यहाँ डेली मतलब कंटिन्यू करनी। वैसे मैं 14 और 13 में लिया, 14 15 से आ रहा है। तो तब से अभी तक चल रहा है। मैं आपको ट्रैक्टर के इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो ये है ट्रैक्टर और इसका ये है इंजन। अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये लगी है टर्बो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर में।